वो जी बोले। बहुत बड़ी है, मैं वो तकरीबन 3 साल पुरानी है, लेकिन मैं प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए हुए मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं। वो भाई के वीजे की है, क्या उसका बात ना है। वीजे का काम नहीं बनता था, तो पहले अम्मी ने बहुत पढ़ाइयाँ की, फिर मेरी अम्मी बीमार रहती हैं, फिर सिस्टर जायरा ने मैं बड़ा ग्रुप में बताती रहती थी कि एजेंट यूं कर रहा है यूं कर रहा है। एक दिन बाजी ने ग्रुप में कहा कि आप एजेंट चेंज कर लें, तो बस वहां से कोई क्लिक हो गई बात। ये जैसे ही मैं क्लिक बेटे को लेके क्लिक हॉस्पिटल से घर आई जी बोले। तो मुझे वकील का मैसेज आ गया, फोन आ गया। मैं इसी तरह डिस्टर्ब थी बच्चे को लेके काफी ज्यादा कि क्या बनी है, तो उसने कहा कि आपके भाई को ना उन्होंने 90 डेज का वीजा दे दिया है हॉलैंड की एम्बेसी ने, और 6 महीने के अंदर आप अपने भाई को इधर बुला सकती हैं। उससे पहले सिस्टर जायरा ने अम्मी का वजीफा बंद करवा के उसकी वाइफ को स्टार्ट करवा दिया हुआ था, गुड, और उसकी दैट्स द वाइफ राइट को थिंग टू वीजा, डू। हाँ जी, उसके वाइफ को शाहजी डेढ़ डेढ़ माह तकरीबन शाहजी हुआ होगा उसका, बगैर एजेंट के जो मैंने वकील किया हुआ था 3 साल पहले, और मैं भूल भी गई हुई थी कि मैंने इनकी मिनिस्ट्री में कोई अप्लाई किया हुआ है, यकीन माने मुझे नहीं पता था। ठीक है, आगे। और तो वो शाहजी, उसका वीजा लग गया, वो इधर आ गया। माशाल्लाह। फिर उसका, फिर शाहजी फिर क्या हुआ, फिर उसका जब पाकिस्तान एम्बेसी में पासपोर्ट जमा कराया, तो जो 4 दिन बाद जवाब आना था वो 1 महीना लग गया। तो ग्रुप कॉलिंग होती है ना शाहजी, वो मैंने बुलंदी बाजी को कहा, तो बुलंदी बाजी ने कनेक्ट करवाई कॉलिंग कॉल में, तो उस दिन कॉल में आप थे, तो आपने मेरी भाभी को वजीफा दिया था 7 दफा 7 दिन के लिए, और चौथे दिन जो है ना मेरी भाभी ने, अभी 4 दिन हुए थे उसको पढ़ते हुए, पासपोर्ट आ गया, और चौथे दिन मेरा भाई मेरे इधर हॉलैंड वाले घर में मेरे सोफे पे बैठा हुआ था, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र, उसके बाद आपका शुक्रिया, सिस्टर जायरा का हमारा कोई शुक्रिया, बुलंदी शुक्रिया ना बाजी का करें, शुक्रिया। सिस्टर जायरा का करें, बाकी का मेरा कोई शुक्रिया नहीं है। हाँ, नहीं बट नहीं ये शाह फ़र्क जी, ये आपका भी फ़र्क ये है, जी, और इसको कहते हैं कि मेरे वजीफे देने में फ़र्क है, ये इसमें नो डाउट अबाउट इट। ठीक है ना। हाँ, ये चीज़ है। कहीं कहीं पे तो बगैर वजीफे दिए हुए काम हो जाते हैं, लेकिन ये जो है हाँ ये जी, नहीं, वजीफे का आपने काम उस दिन था। कहा था, आपने उस दिन हाँ, कहा था फिक्र ना करें पासपोर्ट आ जाएगा, बस पासपोर्ट आ जाएगा, इतनी बस वो आपने बात यही। की हाँ, और पासपोर्ट लग के वीजा आ गया, और तो चौथे दिन वो मेरे घर था यस डिड इट जी। अगेन वाला स्टाइल है। ठीक है बाजी, अगली हाँ जी टेस्टिमोनी। जी